sir. All right, so Therapeutic Architecture, this is perhaps one of the most fantastic course. I think the fantastic course. This course, man, you will learn things to be shy. This is shy of computer science for इस मॉडर्न टाइम में सबसे बड़ा रेवोल्यूशन जो है वो शायद एक वजह से आया है और वो वजह शायद इस कोर्स के नाम में छुपी है। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये आपके ख्याल में डेटा स्ट्रक्चर क्या होगा? सरकार में मेरे नाम में पहले सवाल आता है सरफराज भी हो जाएगा, ठीक है? तो इमेजिन मेरा नाम फराज है तो मैं सरफराज कहता हूँ, ठीक है? सब नहीं
समझ? How do we search efficiently? That's an algorithm part. Okay? And data structure will going to help us. Okay? How we will organize our data in such a way that the algorithm we will going to write will be time efficient. Because time is money. Time is everything. Time is life. Okay? And we want to make sure कि ये तो हमने करना है। Okay? आज से 20 साल पहले जब तक गूगल के सर्च इंजन नहीं आए थे आपको छोटी सी चीज भी सर्च करने के लिए कहाँ जाना पड़ता था? या तो आप आलमों के पास जाते थे ठीक है या फिर आप लाइब्रेरी जाते थे आपको इनसाइक्लोपीडिया में ढूंढना पड़ता था चीजों को. Now the information is available to you by a click. और वो चीजें जो कि उनको सालों साल लग जाते थे अब एक गूगल की एक आप टेक्स्ट लिखते हैं और आपको वो इन ब्लिंक ऑफ एन आई आप हर सर्च रिजल्ट लेके सर्च करें गूगल आपको बताता है मैंने इतने रिकॉर्ड में सर्च किया है और इतनी देर में किया है बस में इतना एफिशिएंटली एक तो ये कि आप आमतौर पर जब लाइब्रेरी में जाते हैं कुछ चीजें लेकिन उसके पास डेटा भी बड़ा लिमिटेड होता है यहाँ पर डेटा भी इमेंस है इतना डेटा किसी भी लाइब्रेरी में नहीं होगा जितना गूगल के पास है ओके और वो कैसे उसमें इतना इंटेलिजेंटली इतना पावरफुली सर्च कर लेता द पावर लाइज इन डेटा स्ट्रक्चर हाउ वी विल ऑर्गेनाइज आवर डेटा इन सच अ वे दैट वी कैन राइट एल्गोरिथम्स एफिशिएंटली That's the crux of the course. Okay? And मैंने आपको आज आपका project भी बताया है. और project ये है, we want to build this thing. Okay? So that's the target of this course. And we will learn so many techniques इस तरह के हम end पे जाके पहुँचेंगे. But you should start working on it today. ठीक है? देखें Google कैसे काम करता है, चीजें कैसे चल रही हैं, कैसे काम करती हैं. ये बात समझे? ठीक है? Everybody is excited. I'm excited. I think this is a fantastic course. This is going to teach you so many wonderful things. Okay, how this revolution happened. Okay? Alright? चलिए जी, हम थोड़ा सा वापस पीछे आते हैं जो चीजें हमने सीखी हैं. मेरा आपसे बड़ा पहला सवाल है. क्या कोई डेटा स्ट्रक्चर अभी तक आपने सीखा है? ठीक है. शायद पहला जो आपने चीज सीखी थी वो डेटा स्ट्रक्चर ही था क्या था अरे अरे तो बहुत बात क्यों उससे पहले एक आपने डेटा स्ट्रक्चर सबसे पहले और उसने बड़े बड़े काम किए बड़े बड़े काम किए सबसे पहली चीज प्रोग्रामिंग क्या मिला सकता जैसे वेरिएबल बनाना वेरिएबल वॉज ए रेवोल्यूशनरी आइडिया विच कैन स्टोर वन टाइप ऑफ चाहे वो इंटीजर हो चाहे वो कैरेक्टर हो चाहे वो डबल हो चाहे वो लॉन्ग हो जितनी भी हमने डेटा टाइप्स पढ़ा पड़ती है बस में दैट वाज द फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर ओके उसके बहुत सारे एडवांटेजेस थे यू कैन डू सो मेनी अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन दिस और ये अरिथमेटिक ऑपरेशन जो आप एक वेरिएबल पे परफॉर्म करते हैं छोटा प्रोसेस नहीं आप हिस्ट्री पढ़े आपको लग हो जाएगा कैसे ये दो नंबर्स के दरमियान में अरिथमेटिक करवाना 100-100 साल लग गया इसके ऊपर ये पहला जो आपका माइक्रो कंप्यूटर बनता है जो आप सीपीयू अरिथमेटिक यूनिट जिसे कहते हैं आपने डीओटी पढ़ी डिजिटल डिजाइनिंग अब है ही नहीं कुछ तो डिजिटल लॉजिक डिजाइन अगर आप इसकी बनाते हैं कि बेसिकली अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट बनाते हैं रजिस्टर्स वगैरह ये लेके इस चीज़ के तो उसमें बेसिकली ये चीज़ होती है ठीक है उस पर क्या और वो पूरा प्रोसेस कैसे हम पहले फ्लिप फ्लॉप डिजाइन करते हैं जब रजिस्टर बनाते हैं तो किस तरह सर्किट बनता है एंड और जो और इस तरह के सारे सर्किट के साथ वो बिल्कुल हार्ड में निकल जाए वो पूरा प्रोसेस ये 32-bit रजिस्टर्स जो है वो किस तरह से ऐड होंगे कैसे पूरा खूबसूरत प्रोसेस
और इसके ऊपर डिकेड्स एंड डिकेड्स है। अब बात यह है कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल वॉज द फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर, उसका एक डिसएडवांटेज था। क्या था? Why we moved on from it? एक ही वेरिएबल को स्टोर कर सकता था। क्यों?